बड़े ब्राता कार्तिक, यदि आप यहाँ होते तो परशुराम के हाथों में एक दंत न बनता। मैं यहाँ होता तो क्या कर लेता, पिता भोलेनाथ थे ना यहाँ, जब वे ही कुछ ना कर सके तो मैं क्या कर लेता। और सच बात तो ये है कि पिता श्री की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। वो तुम्हें एक दंत बनाकर अधिक पूज्य बनाना चाहते थे और वो तुम बन गए। गणेश भैया, अब तो कुमार कार्तिकेय भी आ गए, खेल खेले। हाँ, चलो, चलो, चलो। तुम्हें अपने पुत्रों के विवाह की तनिक भी चिंता नहीं है। आप क्या कह रहे हैं स्वामी, मैंने स्वयं ही तो इस विषय में आपसे चर्चा की थी। अवश्य की थी, किंतु फिर वो चर्चा भूल में समा गई। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। मैं तो इतना जानती हूँ कि आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक दोनों पुत्रों के विवाह की चर्चा केवल चर्चा ही रहेगी। भला सोचो, यदि मैं नहीं चाहता और इच्छा न होती तो पुनः इस विषय पर चर्चा क्यों करता है। भगवान भोलेनाथ की जय, देवी पार्वती की जय। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम देवी पार्वती। आओ राजन। देवऋषि नारद द्वारा प्रेरित होकर स्वार्थवश उपस्थित हुआ हूं प्रभु। अपना प्रयोजन कहो राजा विश्वरूप। जो सर्वज्ञ हैं उनसे क्या प्रयोजन कहूं प्रभु। मेरी ये दो पुत्रियां बुद्धि और सिद्धि, मैं इनके दायित्व से मुक्त होना चाहता हूँ। किन्हें सौंपना चाहते हैं इनका दायित्व? प्रभु आपको और देवी पार्वती को आपकी पुत्र वधू बनाकर। अपना निर्णय प्रकट करो देवी। निर्णय करने का अधिकार तो आपका है, पर मुझे ये दोनों कन्याएं अपनी पुत्र वधू ही लगती हैं। अर्थात मेरे निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना ही तुमने यह निर्णय कर लिया कि इन दोनों कन्याओं को अपनी पुत्र वधू बनाना है। राजन, आप निश्चिंत होकर अपने भवन लौट जाएं। समय आने पर आपको शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा। प्रभु धन्य भाग्य मेरे। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम देवी पार्वती। माता पिता को प्रणाम। कल्याण भाव। अभी अभी तुम दोनों ने जिन दो कन्याओं को देखा वे हमारी भावी पुत्र वधुएं हैं, किंतु विवाह से पूर्व तुम दोनों को विवाह के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। क्या आप हम दोनों को विवाह के योग्य नहीं समझते? नहीं नहीं गणेश, ऐसा नहीं है। अपने पिताश्री का अभिप्राय समझो। विवाह से पूर्व तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी, और जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। हम दोनों सोचती रहे कि किसका विवाह पहले करें, अंत में यही एक उपाय निश्चित हुआ। पिता श्रेष्ठ, मैं से पूर्व ही कह चुका हूँ कि मेरी विवाह में रुचि है ही नहीं। विवाह रुचि के लिए नहीं किया जाता है पुत्र कार्तिकेय। वैसे भी विवाह करने अथवा ना करने के निर्णय का अधिकार संतान का नहीं होता है, इसका सर्वाधिकार माता पिता के पास सुरक्षित रहता है। इसलिए तुम्हें केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। जैसी आपकी आज्ञा। गणेश, मैं तुम्हें मूषक वाहन प्रदान करूंगी ताकि तुम कार्तिकेय के साथ पृथ्वी परिक्रमा में भाग ले सको। गणेश भैया, आपका ये वाहन मूषक कार्तिकेय भैया के वाहन मयूर से परिक्रमा की दौड़ में आगे नहीं जा सकेगा। तो उत्तम यही होगा कि आप स्पर्धा में भाग ही ना लें और पराजय स्वीकार कर लें। विजय तो निश्चित कार्तिकेय भैया की ही होगी। प्रणाम बड़े भ्राता। मैं तो स्वयं इस स्पर्धा से विलक होने का विचार कर रहा हूँ। हानि तो इतनी होगी,
कि मेरा विवाह बड़े भ्राता कार्तिकेय के विवाह के पश्चात होगा। तो अब दूधा कहाँ है? माता पिता की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, इसलिए परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा करना मेरी विवशता है। बड़े भ्राता, शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है, परिक्रमा का समय हो गया है। अब हमें पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर देनी चाहिए। हाँ, अब अकारण विलंब क्यों हो? तो गणेश, पृथ्वी परिक्रमा आरंभ करने से पूर्व हमें अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। हाँ बड़े भ्राता, माता पिता के आशीर्वाद के बिना आरंभ किए गए सभी कार्यों का अंत दुखद ही होता है, इसलिए माता पिता का आशीर्वाद तो हमें लेना ही होगा। आओ। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। क्या ये मुशकराज मुझे प्रतिस्पर्धा में विजय? गणेश भैया, नंदी भैया, क्या मेरा ये मुशक मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करा सकेगा? यदि आपके भाग्य में लिखा है तो संभव है कि आप कार्तिकेय भैया से आगे निकल जाएंगे। क्यों मुशकराज, मुझे लेकर चल सकोगे परिक्रमा के लिए? गणेश भैया, इससे ये पूछिए कि कुमार कार्तिकेय के वाहन मयूर से आगे निकल सकेगा अथवा नहीं। जब चलना ही नहीं हो सकेगा तो आगे कैसे निकल सकेगा, ये तो असंभव ही है। पर भैया, स्पर्धा आरंभ हो चुकी है, कुमार कार्तिकेय जा चुके हैं और आप अभी तक यहीं हैं। और अधिक विलम्ब हुआ तो आप स्पर्धा हार जाएंगे। नहीं नंदी भैया, नहीं, विजयी तो मैं ही रहूंगा। नारायण नारायण, बधाई हो कुमार कार्तिकेय, बधाई हो। ओ देवऋषि नारद, बधाई किस लिए देवऋषि? पृथ्वी परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा में विजयी होने की बधाई। अभी जय पराजय का निर्णय कहाँ हुआ है, स्पर्धा तो चली रही है। नारायण नारायण, प्रत्यक्ष न सही परंतु परोक्ष रूप से निर्णय हो चुका है कुमार। और भला गणेश जी, उस मूषक पर सवार होकर आपसे आगे बोलो किस प्रकार जा पाएंगे? कहां उस मूषक की मंद गति और कहां आपके इस मयूर की पवन गति। भारी भरकम शरीर वाले लंबोदर गणेश जी को भला वो मूषक कब तक और कहां तक ले जाएगा? नारायण नारायण, आप तो विजयी हो ही गए कुमार। पर मैं ऐसा नहीं मानता देवऋषि। अप्रिय सत्य को मानने में तनिक विलंब तो लगता ही है कुमार। आपको गणेश जी के प्रति अत्यधिक स्नेह है, अपनी विजय और उनकी पराजय ये आपको प्रिय नहीं है, परंतु परिक्रमा में आपकी विजय ये पूर्व निश्चित सत्य है। नारायण नारायण। सत्य तो ये भी है देवऋषि कि ना मुझे विजय की इच्छा है ना विवाह करने की। मैं तो अपने माता पिता की आज्ञावश इस स्पर्धा से जुड़ गया हूँ। आप माता पिता की आज्ञा का सम्मान भी करते हैं और विवाह ना करके बाल ब्रह्मचारी भी रहना चाहते हैं, ये दोनों कार्य एक साथ? नारायण नारायण, आप कैसे कर पाएंगे कुमार? आप ही मेरा मार्गदर्शन करें देवऋषि कि मैं ये दोनों कार्य दुविधा रहित होकर कैसे पूर्ण करूं। फिर तो एक ही मार्ग है। कृपया कहें क्या मार्ग है? आपको स्पर्धा में पराजित होना पड़ेगा और उसके लिए आप कैलाश विलंब से पहुंचे, अर्थात अपनी गति को मंद करना होगा आपको।
जिससे गणेश जी की विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि गणेश विजयी हो और उसका विवाह हो जाए। वो भी निश्चित है। अर्थात? अर्थात ये कुमार के विधि के विधान के अनुसार राजा विश्वरूप की पुत्रियां बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी से पूर्व निश्चित है। नारायण नारायण। बुद्धि और सिद्धि का विवाह? हाँ कुमार, बुद्धि और सिद्धि से। नारायण नारायण। बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश से? गणेश भैया, आपने ये नहीं बताया कि आप विजयी कैसे होंगे? विजयी तो वही होगा ना जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा, अर्थात जगत की परिक्रमा। हाँ हाँ, तय तो यही हुआ था। जो तय हुआ था उस तथ्य को सत्य में पारिवार्तिक करने के लिए मुझे एकांत में विचार करने दे नंदी भैया। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप जाइए। परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा। क्या विचार कर रहे हो गणेश? हाँ, पुत्र का जगत तो अपने माता पिता में ही समाया हुआ होता है। हाँ, और ये भी सत्य है कि संतान का इस जगत से परिचय तो माता पिता ही कराते हैं। माता पिता ही संपूर्ण जगत हैं। शास्त्रों में माता को पृथ्वी और पिता को आकाश माना गया है। और वैसे भी गणेश, पृथ्वी की परिक्रमा करना तुम्हारे वश में नहीं है। हाँ, इसीलिए प्रायश्चित रूप में अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। माता पिता की परिक्रमा ही पृथ्वी परिक्रमा के समान होगी। जाओ गणेश। कुमार गणेश की जय। गणेश भैया, आप तो विजयी होकर लौटे हैं, फिर आपके मुख पर ये विषाद क्यों है? नहीं नंदी भैया, मैं विजयी होकर नहीं लौटा हूँ। मेरी जय जय कर मत कीजिए। माता पार्वती कहाँ है? वह अपने कक्ष में होंगी। तो उन्हें जाकर कहिए कि उनका पुत्र गणेश तुरंत ही उनके दर्शन का अभिलाषी है, वे शीघ्र यहाँ पधारे। अच्छा गणेश भैया, मैं जाता हूँ। हे प्रभु, अब आपकी लीला मेरी समझ में आने लगी है। अब तो मुझे वही करना होगा जो आप चाहते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके लिए सर्वथा दोषी मैं नहीं हूँ। जो कुछ भी हो रहा है आपकी इच्छा और लीला के कारण ही हो रहा है। गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करके इतनी शीघ्र लौट आए? पृथ्वी की परिक्रमा करना मेरे वश में नहीं है माते। अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और ये प्रायश्चित आपके क्षमादान से ही पूर्ण हो सकता है माते। कृपया कर आप पिताश्री के पास स्थान ग्रहण कर लें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। स्वीकार करें स्वामी, आपकी समाधि जो भंग हुई उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं, पर आपका जागना आवश्यक था। अपना अभिप्राय कहो देवी। अभिप्राय तो पुत्र गणेश बताएगा। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। 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 माता गौरी पिता शंकर, जय जय।
शंकर माता। अपना प्रयोजन कहो पुत्र। प्रयोजन पुत्र का कहां, पिता का ही है, परंतु कहना पुत्र को है। कहो क्या कहना चाहते हो? यही कि शास्त्रों के विधान के अनुसार माता को पृथ्वी और पिता को आकाश समान माना गया है, और मैंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा पूर्ण करके पृथ्वी परिक्रमा से भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लिया है। और माता पिता सर्वोपरि होते हैं, बालक का इस जगत से परिचय कराने वाले माता पिता ही होते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ पूज्य और मान्य अन्य कोई नहीं। वे ही संतान का संपूर्ण जगत होते हैं, उनकी परिक्रमा संपूर्ण करना पृथ्वी परिक्रमा करने जैसा ही है। गणेश, तुम्हारी बुद्धिमता और प्रतिभा से मन प्रसन्न हुआ। तुमने अपनी चतुरता से कार्तिकेय को पराजित किया। अब तुम प्रथम विवाह करने के अधिकारी हो गए हो। पितृवर, बड़े भ्राता कार्तिकेय को पराजित करने की तो मैं कल्पना तक नहीं कर सकता, और अपनों से बड़ों को पराजित करने की भावना रखने वालों को कभी विजयी होते हुए नहीं देखा गया। आपके कहने से मैं स्पर्धा में सम्मिलित अवश्य हुआ, परंतु मैं स्वयं नहीं चाहता कि बड़े भ्राता कार्तिकेय पराजित हो। आपकी आज्ञा व परिक्रमा पूर्ण करने के लिए मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा की है। पितृवर, भ्राता कार्तिकेय तो मुझसे बड़े ही हैं, प्रथम विवाह तो उन्हीं का होना चाहिए। इसका निर्णय तो कार्तिकेय के द्वारा ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा। हम बड़े भ्राता कार्तिकेय की प्रतीक्षा करेंगे। शिवे भक्ति शिवे भक्ति भक्तिर शिवे शिवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। कार्तिकेय का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। यशस्वी भव। शिव भक्ति एवं वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने का वचन पूर्ण करने के लिए आ गए हो, ये जानकर अति प्रसन्न हूँ। मैं अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगा मुनिवर, किंतु इस समय मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। माता पिता की आज्ञा से मैं पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकला हूँ। ये कार्य पूर्ण होते ही मैं आपके पास लौट आऊंगा और अपने शेष कर्तव्य को पूर्ण करूंगा। माता पिता की आज्ञा से परिक्रमा करने निकले थे तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर या आश्रम में क्यों चले आए? मैंने कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया मुनिवर। पृथ्वी की परिक्रमा करते समय मार्ग में आपका आश्रम आया तो आपके दर्शन का लोभ भी मन में आ गया। दर्शन सत्य है, किंतु दर्शन का लोभ सत्य नहीं है। यहाँ आने का अन्य कारण भी है। हाँ पूज्यवर, अन्य कारण भी है। क्या? पृथ्वी की ये परिक्रमा मेरे और छोटे भाई गणेश के बीच एक स्पर्धा है, और छोटे भाई को पराजित कर मैं विजयी होना नहीं चाहता। क्यों? यदि ऐसा हुआ तो जगत में सदा सदा के लिए बड़े भाई के बड़प्पन के प्रति साधारण जन का विश्वास ही उठ जाएगा। जगत का विश्वास प्राप्त करने के लिए तुम क्या स्पर्धा में होने वाली विजय को खोदोगे? जगत के विश्वास की प्राप्ति से बड़ी विजय और क्या है मुनिवर? उसके सामने अन्य सभी विजय तुच्छ हैं। ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। यशस्वी भाव, मन प्रसन्न कर दिया है तुमने। जिस शिव भक्ति और वैदिक धर्म का प्रचार तुम करना चाहते हो उसका व्यवहार तो तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे कार्तिकेय। आज्ञा दीजिए मुनिवर, गणेश मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। गणेश भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कार्तिकेय भैया आ जाएंगे। अरे आ तो जाएंगे, पर ये क्या उचित हुआ? तो अनुचित क्या हुआ? मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा को छोटा बना दिया, क्या ये उचित हुआ? आपने स्वयं कहा था गणेश भैया कि माता पिता सर्वोपरि होते हैं,
तो उनकी परिक्रमा भी श्रेष्ठ और उचित ही मानी जाती है। ऐसा मैं मानता था, आप भी मानते हैं, पर क्या बड़े भ्राता कार्तिकेय भी ऐसा मानेंगे? हो सकता है उन्हें यह अप्रिय लगे। यही सोच सोच कर मन व्यथित हुआ जा रहा है। क्यों लगेगा अप्रिय? आप दोनों भाइयों में तो अटूट प्रेम है, आपके इस कार्य से वे व्यथित होंगे। ये सोच के आपको व्यथित होना व्यर्थ है। फिर भी मैं उनसे क्षमा अवश्य मांगूंगा। देवी पार्वती, आज गणेश की बुद्धिमत्ता ने उसके उज्जवल भविष्य का परिचय दिया है। निश्चय ही गणेश जन जन द्वारा पूज्य होगा। गणेश ही क्यों, कार्तिकेय भी ज्ञान और धर्म के विषय में अग्रणी है। वह ना तो केवल ऋषि मुनियों का सत्संग करता है, अपितु वे उसका उपदेश सुनने के लिए लालायित रहते हैं। अपने माता पिता के प्रति उसके मन में आदर सम्मान है, तो छोटे भाई गणेश के लिए अगाध स्नेह भी है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश को विजयी करने के लिए ही वह लौटने में विलंब कर रहा है। संभवतः तुम्हारा विचार सही हो, पर जब तक कार्तिकेय लौट नहीं आता तब तक इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। गणेश भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा है। गणेश भैया वो देखो, मार कार्तिकेय आ गए। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय हो। गणेश, तुम मुझसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आए, इसकी मुझे प्रसन्नता है। इस विजय के लिए बधाई। कैसे विजय और कैसे बधाई, मैं तो लज्जित हूँ और क्षमा प्रार्थी भी, क्योंकि मूषक रात को पहले माता पिता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले, उसके पश्चात इस विषय पे चर्चा करेंगे। आओ। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय जी। लो, कार्तिकेय भी आ गया और अब दोनों इसी ओर आ रहे हैं। हाँ, दोनों की जय जयकार भी हो रही है। आप दोनों के विवाह की घोषणा अवश्य कर देंगे। देवी, हम अपनी इच्छा को पुत्रों पर थोपने के पक्ष में नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? पुत्रों का विवाह तो माता पिता की इच्छा से ही होगा। अवश्य होना चाहिए, पर कार्तिकेय अपनी विवाह करने की अनिच्छा प्रकट कर चुके हैं। वे धर्म कार्य और लोक कल्याण में प्रवृत्त हैं। शिवनंदन कुमार कार्तिकेय की जय। गौरी पुत्र गजानन गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ गौरी शंकर की जय। तुम दोनों ही पृथ्वी परिक्रमा में विजयी रहे हो। गणेश ने अपने बुद्धि कौशल से माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य प्राप्त किया, और कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा करके माता पिता की आज्ञा का पालन किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आओ नारद, तुम सदा ही समाचार लेकर आते हो, आज समाचार लेकर जाना। भगवान, क्या है वो शुभ समाचार जो कैलाश से प्रसारित होने जा रहा है? मैं भी तो सुनूं। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही पृथ्वी की परिक्रमा स्पर्धा में विजयी होकर लौटे। निसंदेह शुभ समाचार है। स्पर्धा में दोनों का विजयी होना जगत के लिए शुभ संदेश है। शुभ संदेश कैसे नारद? माता, प्रायः स्पर्धा में ईर्ष्या अहंकार और दुर्भावना गतिमान रहती है, परंतु ये स्पर्धा जगत की अनूठी स्पर्धा मानी जाएगी। स्कंद कुमार कार्तिकेय मंद गति से अपने वाहन मयूर पर जा रहे थे ताकि अनुज गणेश की विजय हो, और गणेश ने विजय की लाभ या लोभ से नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन पूर्ण करने के हेतु माता पिता की परिक्रमा की। माता, ये आदर्श स्पर्धा क्या जगत को ये शुभ संदेश नहीं देती?
यदि स्पर्धा सद्भावनापूर्ण हो तो दोनों पक्ष संतुष्ट और विजयी हो सकते हैं। नारद, तुमने तो समाचार को शुभ संदेश बना दिया। नारायण नारायण, बनाने बिगाड़ने का कार्य नारद से कैसे हो सकता है भगवान भोलेनाथ? ये सब तो आपकी लीला है। सात्विक गुणों से संपन्न आपके दोनों पुत्र बधाई के पात्र तो है ही, परंतु उनके माता पिता होने के नाते आपको भी बधाई हो। अपनी बधाइयों का भंडार सुरक्षित रखना नारद, हम शीघ्र ही दोनों का विवाह कर रहे हैं, उस समय आवश्यकता होगी। मैंने इन दोनों के लिए कन्याएं भी देख ली हैं। भगवान भोलेनाथ की इच्छा के अनुरूप मैंने राजा विश्वरूप को आपका संदेश पहुंचा दिया था। वे अपनी दोनों पुत्रियों सहित इस विषय पर आपसे निवेदन करने यहाँ आए भी थे। माता भोलेनाथ, अब अधिक विलंब न करें, मैं शीघ्र ही आपके इस निर्णय की सूचना उन्हें देता हूँ। नहीं देव ऋषि, नहीं, ये संभव नहीं। संभव नहीं? नारायण नारायण, कैलाश की इस पुण्य धरती पर शक्ति स्वरूपा माता पार्वती और तीनों लोकों के स्वामी पिता भगवान भोलेनाथ के गुण संपन्न पुत्र कुमार कार्तिकेय के लिए असंभव क्या है? ये सत्य तो शक्ति और सामर्थ्य का परिचायक है देव ऋषि, किंतु विवाह का विषय सर्वथा भिन्न है। विवाह न करने का अपना निर्णय तुम्हें से पूर्व भी स्पष्ट कर चुका हूं। इस विषय में मुझे अधिक विवश न किया जाए तो मेरे हित में होगा। अब मुझे दक्षिण क्षेत्र में जाने की आज्ञा प्रदान करें, ताकि मैं अगस्त ऋषि को दिए गए अपने वचन को पूर्ण कर सकूं। बड़े भ्राता कार्तिकेय, यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो मैं भी आजन्म अविवाहित रहूंगा। तुम क्यों अविवाहित रहोगे? मेरा यही प्रश्न तो आपसे है। मैं बार बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं धर्म और शिव भक्ति के प्रचार का कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य और मार्ग भिन्न है, विवाह इसमें बाधक है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं, इसलिए तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। गणेश, हम कार्तिकेय को विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते। स्थिति स्पष्ट है, अब तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। हम राजा विश्वरूप को वचन दे चुके हैं, अब तो बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश से ही करना होगा। नारद, तुम राजा विश्वरूप के पास जाओ और उन्हें सूचित करो कि वे विवाह की तैयारियां आरंभ करें। कार्तिकेय, तुम गणेश के विवाह के पश्चात ही दक्षिण जा पाओगे। जैसी आपकी आज्ञा मां, मैं गणेश के विवाह के पश्चात ही दक्षिण जाऊंगा। अर्थात गणेश के विवाह का शुभारंभ शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। बोलिए मंगल मूर्ति गजानन गणेश की जय। मंगल मूर्ति गजानन गणेश की जय। श्वेतांगो सरनेत्र हस्ति वदना कंठे च मुक्तावली देवानां प्रमुखोस्ति शंकरसुतो सच्चन्द्रवच्छान्तिदः विघ्नानां प्रतिकारकार्यकुशल चासीनमु शासनो सोयात गणनाथ भार्य यमने भूयाच सन्मंगलम। स्वर्गं सुरभिश्च दैव ततरु सूर्या च भाकौमुदी सिद्धिं पुण्यं
पुण्य विवाह कार्य परकार दृष्ट्वा च सम्मोहिता तद्वद् बुद्धि विवाह कार्य करणे मज्जन्ति दिग्देवताः इत्थं सिद्धि सुबुद्धि दन्ति यमने कुर्वन्तु वो मंगलम् नारायण नारायण उपस्थित भक्तगण ध्यान से सुनेंगे तो लाभ होगा। गणेश जी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र होने के कारण विघ्नहर्ता और सुखकर्ता तो है ही है, परंतु विवाह उपरांत अब उनके गुण और शक्ति में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब उनके साथ बुद्धि और सिद्धि है। जो भी भक्तगण गणेश जी के साथ बुद्धि सिद्धि की आराधना करेगा उसे बुद्धि और सिद्धि के साथ रिद्धि वैभव ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्तगण मेरे साथ प्रेम और श्रद्धा से बोलो, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गौरी शंकर, जय गौरी शंकर, तेजस्वी यशस्वी। तुम तीनों को मेरा शुभ आशीर्वाद। जगत का कल्याण ही कल्याण करते रहो। अब मैं माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर दक्षिण की ओर प्रस्थान करूंगा। माता श्री, पिता श्री, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का इच्छुक हूं। आप अपनी बड़े भ्राता को दक्षिण की ओर जाने से रोकते क्यों नहीं? व्यर्थ है उन्हें रोकना, दक्षिण ही उनका कर्म क्षेत्र है। वे वहां जाकर धर्म और भक्ति की नई परंपरा को सूत्रपात करेंगे तथा अन्य देवी देवताओं से अधिक पूज्य होंगे। गुरुमुखम, षटमुखम, सुब्रमण्यम आदि नामों से दक्षिणवासी उनकी पूजा करेंगे।